कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, दिस इज प्रीता एंड आप देख रहे हो प्रीथाज डायरी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को रेड से कर दीजिए ग्रे। एंड आज हम जाएंगे चतुश्रृंग मंदिर जो है SP रोड में, और वहाँ पे जाके वहाँ का एक्सपीरियंस आप लोग का शेयर करूंगी। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उसके बाद में भी हम जा सकते हैं मगरपट्टा सिटी, तो वहाँ पे भी क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोग का शेयर करूंगी। आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग एंड कंटिन्यू वॉचिंग। हम पहुंच चुके हैं चतुश्रृंग मंदिर, चलो आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। चतुश्रृंग टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ ए हिल ऑन सेनापति बापट रोड पुणे। एंड आप लोगों को अगर चतुश्रृंग टेम्पल में चतुश्रृंग माँ के पास जाना है तो आप लोगों को 170 स्टेप्स है उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। एंड दैट्स वाई इट इज़ द सिम्बल ऑफ पावर एंड फेथ। एंड यहाँ पे आप लोगों को दुर्गा माँ और गणेशा जी का बहुत सारे छोटे छोटे मूर्ति देखने को मिलेगा और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी है। आप लोगों को आई होप ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, सो कंटिन्यू वॉचिंग। ये मंदिर जो है ना बहुत ही हाइट पे है और आप लोगों को ना ऐसे इतनी सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़ के आना पड़ता है। हम लोग अभी थक गए हैं और हम लोग अभी तक मेन मंदिर पे पहुँचे नहीं हैं और भी इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है। चलो चलते हैं और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यहाँ से ना आप लोगों को बहुत सुंदर सा व्यू देखने मिलेगा पुणे शहर का, क्योंकि बहुत ही ऊपर है। मैं हाँफ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए हैं, बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मंदिर के अंदर का तो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट बाकी हमने शूट किया है तो आप लोगों का शेयर। हम लोगों को ना यहाँ पे चतुश्रृंग मंदिर में एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा, बहुत सुंदर है और इसका बहुत नाम है। तो अगर आप पुणे आते हो तो इम्पॉसिबल एक बार विजिट करना। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, जितना बार आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। एक्सपोर्ट कमिंग ईयर। यस, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट स्पॉट पे जहाँ पे हम जाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। हम लोग अभी सीजन्स मॉल में हैं और अभी हम लोग आए हैं फूड कोर्ट में, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। हमने बहुत सारी खूब सारी शॉपिंग करी है
वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी क्या क्या शॉपिंग करी है। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है पंजाबी ग्रिल से, अभी खाना आने में थोड़ा सा टाइम है, तो सीजन स्मॉल वापस आते हैं। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ हमारे स्नैक्स में, तब तक के लिए एंजॉय, बाय। छोले भटूरे देखो डिलीशियस लग रहा है ना। और साथ में हमने ऑर्डर किया है पाव भाजी। पाव भाजी बहुत दिनों से नहीं खाया है, इस बार एक बार भी हमने पाव भाजी नहीं खाया ना। हम लोगों ने ऑर्डर किया है पंजाबी ग्रिल से पाव भाजी जैसे देख सकते हो, और उसके साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया है छोले भटूरे। बहुत ही भूख लगी है तो छोले भटूरे हमने तो खाना स्टार्ट कर दिया, अभी पाव भाजी बचा है तो फटाफट से खा लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं वापस और आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कुछ नहीं जाता, प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।